ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे अप्रैल माह 2021 मासिक फलादेश के बारे में, यानी मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में आज जानकारी देंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए माह अप्रैल 2021 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। उससे पहले थोड़ी ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। सूर्य आपके मीन राशि में है, 14 मार्च को आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल वृषभ राशि में है और 13 अप्रैल को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके मीन राशि में है, 16 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और गुरु आपके मकर राशि में है और 6 अप्रैल को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक वह अपनी मकर की नीच जो राशि है तो उसमें संचार कर रहे हैं। 6 अप्रैल को वहाँ से निकलकर अपनी नीच राशि से, नीच राजभंग योग से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र मीन राशि में संचार कर रहे हैं, 10 अप्रैल को मेष में जाएंगे और शनि आपके मकर में रहेंगे और राहु आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, केतु आपके वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह माह जो अप्रैल का माह कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएँ, इसको शेयर करें। वीडियो के अंत में लिखें जय श्री राम। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर देखिएगा, अभी आपके कुंडली में अंगारक दोष बना हुआ है। अंगारक दोष भी है और कालसर्प दोष भी है, तो यह थोड़ा कठिन परिस्थितियों वाला आपका समय रहा है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया भी रही और तो आप तो चल रही है और अष्टम बृहस्पति भी आपके नीच राजभंग योग में थे और साथ में अंगारक दोष भी अभी चल रहा है। लेकिन 6 अप्रैल को 13 अप्रैल को आप अंगारक दोष से बाहर आ जाएंगे और यह अंगारक दोष आपको बहुत अच्छे फल इसके नहीं घटित हो रहे थे और इसके मोस्टली आपको दुष्प्रभाव ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब जो आपके और ये आपके द्वादश स्थान में चल रहा था तो बिल्कुल भी किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं था, लेकिन अब 13 तारीख को मंगल वहाँ से बाहर आ जाएंगे और यह आपका जो अंगारक दोष समाप्त हो जाएगा और आप कालसर्प दोष से भी बाहर आएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके, पहले हम आपके हेल्थ की बात करते हैं, आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन कैसा रहेगा, क्या आपकी स्थिति रहेगी, क्या आपके कार्य करने की क्षमता रहेगी। और यहाँ पर जो आपके बुध हैं वह अभी आपके मीन राशि में संचार कर रहे हैं, यानी जो आपके लग्नेश जो बुध हैं वह आपके 10th प्लेस में नीच राशि में हैं। 16 तारीख तक स्थिति थोड़ी आपकी थोड़ी गड़बड़ाएगी, यानी मानसिक और शारीरिक संतुलन आपका थोड़ा गड़बड़ रहेगा, थोड़े हेल्थ इश्यूज, थोड़े इन्फेक्शन और आपको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और 13 तारीख के बाद थोड़ा इंटेस्टाइन, पेट की प्रॉब्लम, थोड़ी रक्त की प्रधानता, पित्त प्रकोप, थोड़ी उत्तेजना, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट होंगी। लेकिन 13 तारीख तक, ख़ास तौर से आपका 16 तारीख तक शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, आपके कार्य करने की अक्षमता थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, आपकी जो विल पावर है थोड़ी कम हो जाएगी और मेंटली थोड़े कन्फ्यूजन्स, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो आपको यहाँ पर रहेगी, थोड़ी उत्तेजना की स्थिति बनेगी।
तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। और साथ में बात करते हैं आपके फैमिली फाइनेंस की। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 6 तारीख तक उच्च की दृष्टि है, तो अच्छी स्थिति है, परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको मिलेगा, थोड़ी धन कोष में आपकी वृद्धि होगी और घर का वातावरण आपका अच्छा बना रहेगा। जमा धन बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी उत्तेजना से बचें, क्योंकि थोड़ी क्रोध की स्थिति, थोड़ी उत्तेजना की स्थिति आपके साथ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि 13 तारीख को मंगल भी आपके लगन में आ रहे हैं। तो यह स्थिति थोड़ी सी संतोषजनक आपके फेवर में नहीं रहेगी, तो संतोषजनक नहीं रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा आप अपने क्रोध से बचें, थोड़ी उत्तेजना से बचें। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, थोड़ी रक्त की, थोड़ी पित्त की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम, बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं आपके थर्ड हाउस की। यहाँ के लॉर्ड जो आपके सूर्य हैं अभी 11th हाउस में हैं और यह आपके 14 तारीख तक रहेंगे। अभी आपके 10th प्लेस में हैं और यह आपके तो जो आपके 14 तारीख तक 10th प्लेस में रहेंगे, उसके बाद ये 11th हाउस में जाएंगे, मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी। देखिए, मानसिक शारीरिक संतुलन तो गड़बड़ाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस, खास तौर से 16 तारीख के बाद, 14 तारीख के बाद आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा होगा, आत्मविश्वास की आप अनुभूति करेंगे। छोटे भाई बहनों का लाभ, जो आपके नौकर चाकर हैं, आपके सहकर्मी हैं, उनका आपको लाभ, आपके प्रिय बंधु मेल जोल वाले, तो उनका लाभ आपको प्राप्त होगा, और जो आप ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं छोटी मोटी, उनसे भी लाभ बेनिफिट आपको मिलेगा। आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, तो आपका नाम बढ़ेगा, थोड़ी प्रसिद्धि आपकी फैलेगी और आप कार्य व्यवसाय में यह तरक्की उन्नति करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके 4th हाउस की। तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके बुध हैं अभी आपके नीच के चल रहे हैं 10th प्लेस कैरियर के घर में, लेकिन स्वग्रही दृष्टि सप्तम भाव पर उनकी संपूर्ण दृष्टि है, जो कि आपके भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी पर है। कैरियर के घर में तो नीच के हैं, लेकिन जो उनकी दृष्टि है यह आपको यहाँ पर लाभ पहुँचाने वाली है। भूमि मकान वाहन से संबंधित अचानक से कोई आपको खुशखबरी मिलेगी, यानी आपके नए मकान लेने के योग बनेंगे, अचानक से कोई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, अचानक से कोई वाहन प्राप्ति के योग बनेंगे, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और साथ में घर में लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे। आपकी माता का आपको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, अगर इससे पहले उनकी हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी तो उनकी हेल्थ में सुधार होगा और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। ऑल ओवर भूमि मकान वाहन तो घर के सुख की आपको प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके 5th हाउस की, जो आपका संतान पक्ष है। यहाँ का लॉर्ड शुक्र अभी आपके उच्च के चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद जब 10 तारीख को 11th हाउस में चले जाएंगे, तब भी आपकी शुभ स्थिति बनी रहेगी, यानी आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। और निश्चित मानिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशांतर दशा या शुक्र की दशांतर दशा आपके फेवर में चल रही है, तो आपकी संतान, अगर आप अपनी संतान को लेकर, उनके विवाह को लेकर चिंतित हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उनकी नौकरी को लेकर चिंतित हैं, तो ये सारी चिंताएं आपकी समाप्त होने वाली है। तो आपकी संतान का विवाह शादी का योग बनेगा और कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में अगर वे प्रयास कर रहे थे और उनको सफलता नहीं मिल रही थी, कहीं कोर्स करना है या कहीं एडमिशन लेना है, कहीं प्रवेश लेना है, नहीं मिल पा रहा था, तो ये दिक्कतें आपकी संतान की दूर हो जाएंगी और अचानक से उनकी नौकरी लगने के योग बनेंगे, उनके विवाह शादी के संबंध बनेंगे और बिजनेस में, नौकरी में तरक्की, उन्नति। और अगर उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में तो काफ़ी सुधार होगा। तो ऑल ओवर संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको खुशखबरी मिलेगी और आपकी जो चिंताएं हैं संतान को लेकर, वो सब समाप्त होने मतलब होती नज़र आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं नौकरी पक्ष वालों के लिए। यहाँ पर स्थिति, यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल अभी आपके अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं 12वें घर में, तो यह स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। अचानक से आपकी नौकरी छूट सकती है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है,
उसके बाद ये 13 तारीख को आपके लग्न में आ जाएंगे, आपकी राशि पर आ जाएंगे। तो यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यानी नौकरी में थोड़ा संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी और अचानक से कोई नौकरी आपको छूट भी सकती है। और लास्ट मोमेंट पे अगर आपको नौकरी को लेकर प्रयास कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पर आपकी नौकरी लगते लगते रुक सकती है, नौकरी में कोई डिमोशन हो सकता है, तो आपके ऑफिस में तो आपका माहौल ख़राब हो सकता है, तो आपकी इम्पोर्टेंस थोड़ी तो ख़त्म हो सकती है, आपकी अहमियत थोड़ी डाउन हो सकती है। और साथ में ख़ास तौर से तो आप शत्रु पक्ष से सावधान रहें, आपके शत्रु आपको नुकसान दे सकते हैं। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, जिनके ऊपर विश्वास करते हैं वहाँ से धोखा मिलने की पूरे चांस रहेंगे और शत्रुओं से आपको नुकसान की संभावना बनी रहेगी। अचानक से कोई कर्जे की स्थिति भी आपकी बन जाएगी, कर्जा आपके ऊपर चढ़ सकता है। और साथ में कोई रोग भी आपको घेर सकता है, लेकिन मंगल की वहाँ पर सप्तम भाव पर उनकी संपूर्ण दृष्टि है, इसलिए थोड़ा बैलेंस भी हो जाएगा, मैनेज भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और मिथुन राशि वाले जातकों को ख़ास तौर से मंगल और शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको अंत में बताऊँगा। और अंत में कुछ तिथियों के बारे में भी आपको बताएंगे, जो आपकी अशुभ तिथियाँ उनमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान होता है। अब आगे चलते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी 6 तारीख तक, उसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। 6 तारीख के बाद आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जो लोग जो विवाहित हैं, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। इससे पहले कोई मतभेद कोई डिफ्रेंसेस पति पत्नी में चल रहे थे वह दूर होंगे, या एक दूसरे का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा, और आपस में बहुत स्नेह का और प्यार का और तो आपका मधुरता का माहौल बनेगा, आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। और तो आप लाइफ पार्टनर के साथ कोई सलाह मशवरा करके अगर कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि उसके बाद आपके गुरु का ट्रांसलेट आपके भाग्य स्थान में 6 तारीख को हो रहा है। उसके बाद स्थिति बहुत शुभ है, आपके अचानक से कोई विवाह शादी के संबंध भी बन सकते हैं, और जो लोग विवाहित हैं तो उनको अपने पार्टनर का लाभ सहयोग मिलेगा। आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो 6 तारीख के बाद कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप उसमें उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। भाग्यस्थान की बात कर लेते हैं तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति 6 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं। 6 तारीख के बाद आपको भाग्य में उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और यह जो आपको उन्नति के अवसर मिल रहे हैं तो थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। विदेशों से संबंधित आपके कार्य बनेंगे, आपके विदेश जाने के योग तो आप प्रशस्त होंगे। तो विदेश से संबंधित अगर अब तक कोई व्यवधान कोई परेशानी आ रही थी वह आपकी दूर हो जाएंगी और विदेश जाने का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। थोड़ा धर्म कर्म पूजा पाठ व चैरिटी स्पिरिचुअलिटी भगवान की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा, थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव जागेगा। थोड़ा धर्म कर्म पूजा पाठ आप चैरिटी गरीबों को दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसके आगामी बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात करते हैं, 6 तारीख के बाद स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। वैसे वहाँ पर आपके तो जो आपके उच्च के शुक्र चल रहे हैं लेकिन नीच के बुध हैं, ये थोड़ा तो प्रॉब्लम आपको देंगे, लेकिन वहाँ सूर्य भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्र भी वहाँ पर उच्च के बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनेगी बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है, और साथ में वहाँ के लॉर्ड जो आपके बृहस्पति हैं 6 तारीख को ट्रांसलेट करके आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। इट मीन्स अब तक कार्य व्यवसाय में जो आपको दिक्कतें आपको परेशानियाँ चल रही थी वह सब दूर हो जाएंगी, नया कार्य व्यवसाय आप खोल सकते हैं, अपने कार्य व्यवसाय में आप कोई बदलाव ला सकते हैं, तो उसमें कोई चेंजेस आप ला सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। निश्चित रूप से मानिए कि आपको ये सफलता ज़रूर मिलेगी, और यह जो मौका आपको मिल रहा है तो इस मौके का आप पूरा लाभ उठाएं, और निश्चित रूप से देखिएगा आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और कार्य व्यवसाय में आपको स्टेबिलिटी आएगी, और उसमें आपका जो भी परेशानियां थी वह सब आपकी दूर हो जाएंगी, और नौकरी में भी उन्नति तरक्की के योग आपके बन रहे हैं, आप तरक्की करेंगे। आजीविका से संबंधित जो लोग कार्य कर सकते हैं उनके नए आजीविका के साधन बनेंगे, और आप अपने
तो व्यवसाय में उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि होगी, धन कोष आपका बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार वालों का लाभ बेनिफिट सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही है। तो आपके लगन पर जो उनकी पंचम दृष्टि है बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये आपको मैनेज करेंगे। माना कि थोड़ी सी तकलीफ आपको यहाँ पर है, लेकिन यह तकलीफ आपकी दूर हो जाएंगी और स्थिति आपके फेवर में बनेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके लाभ स्थान की। तो लाभ स्थान की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके अभी जो आप तो आपके वहाँ के लॉर्ड जो मंगल हैं तो अभी आपके 12th हाउस में हैं, तो अचानक से थोड़ी सी धन आते आते थोड़ी सी कमी हो जाएगी। यानी कहीं से आपका पैसा आना है तो थोड़ा अटकना, थोड़ी उसमें रुकावट आनी, या रुक रुक कर पैसा आना, या कहीं से अगर 1000 रुपये आने हैं तो 500 आ रहे हैं तो थोड़ी रुकावट, थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो बड़े भाई बहन हैं तो उनसे कोई दिक्कत आपको क्रिएट हो सकती है। जो आपके मित्र बंधु हैं, मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष, एज में आपसे बड़े हैं, वहाँ से आपको थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन उसके बाद जब यह आपके मंगल वहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे और यह आपके 13 तारीख को जब आपके वहाँ से आपकी राशि से 3rd हाउस में पहुँचेंगे तो स्थिति वहाँ आपके अनुकूल बनेगी। अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ आप गेन करेंगे। और वहीं पे आपके 10 तारीख को शुक्र भी ट्रांजिट कर जाएंगे, 16 तारीख को बुध कर जाएंगे और 14 तारीख को उच्च के सूर्य वहाँ पर आ जाएंगे। तो आपका पराक्रम, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, आपकी प्रसिद्धि, नेम फेम तो बढ़ेगा ही। तो अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति, बड़ा धन लाभ, और धन के कुछ स्रोत ऐसे, सोर्स ऑफ इनकम आपकी ऐसी जो आगामी आप उसके लाभ प्राप्त करेंगे, आगामी आपके पास तो इनकम के सोर्स बनते रहेंगे और आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। और फिर आपके बड़े भाई बहनों का भी लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। जो आपके मित्र हैं, मेल या फीमेल, आज तो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनसे भी लाभ गेन करेंगे। फाइनेंशियली आपको लाभ, बेनिफिट मिलेगा, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। ट्रैवलिंग की दृष्टि से स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, यहाँ पर थोड़ा आप थोड़ा संभल कर कार्य करें। अगर आपका बाहर विदेशों से कोई कार्य है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, या कोई बिजनेस के, कोई नौकरी के संबंध हैं, तो वहाँ थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। कुछ संबंध आपके ख़राब हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। पैसे के लेन देन से बचें और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, नहीं तो आपको ट्रैवलिंग से, यात्राओं से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना यहाँ पर रह सकती है। और साथ में कोर्ट कचहरी में अगर कोई आपका मुकदमा लंबित है तो वहाँ से भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। ऑल ओवर देखें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा, अंतरदशा आपके फेवर में चल रही है, मजबूत चल रही है, आपके पक्ष में है, तो आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ पर स्थिति आपके फेवर में नहीं है तो यह स्थिति आपकी 10 या 20% रहेगी, क्योंकि यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी लगन कुंडली मेन होती है। हालांकि जो चंद्र कुंडली पर जब ये ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो इनका ट्रांसमिशन होता है, तो इसके भी बहुत आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं, शुभ और अशुभ। लेकिन लगन कुंडली के साथ अगर आप उसको टैली कर लें, विश्लेषण कर लें, तो 100% तो आपको उसके रिजल्ट की प्राप्ति होगी, अच्छे या बुरे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जरूर कराएं, तो आप तो जिससे आप लाभान्वित भी होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। अब बात कर लेते हैं अशुभ तिथियों की। 24, 25, 26 तारीख और 26 तारीख को 12:30 बजे तक आप कोई भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय, या कोई नए घर में प्रवेश, या नई गाड़ी घर में मत लाएं, वरना आपको आगामी लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। 24, 25, 26, 26 तारीख को 12:30 बजे तक। उसके बाद 5, 6, 7 और 7 तारीख को 3 बजे तक। तो यहाँ पर आपको अचानक से कोई चोट फेट, दुर्घटना, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़ा लॉस, कोई बड़ा नुकसान, ये सब क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा इससे बचें, थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद 16, 17 और 18 तारीख को आप मान के चलिएगा कि 1 बजे तक तो थोड़ी स्थिति आपके फेवर में नहीं रहेगी। तो इसमें आप ट्रैवलिंग आदि से बचें, पैसे के लेन देन से बचें, वरना आपको लाभ की बजाय थोड़ा नुकसान हो सकता है। बात कर लेते हैं उपाय की। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे पहले बीज मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई बताए या ना बताए, लेकिन हम आपको जरूर बताते हैं और ये हमारे प्रैक्टिकल हैं।
हम जब आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम उसका उपाय भी ढूंढते हैं और आपको उपाय बताते हैं, और आप थोड़े श्रद्धा विश्वास के साथ उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। 90% तक तो आपको उसमें सपोर्ट मिलता है, आपको प्रोटेक्शन मिलता है और ग्रहों का शुभत्व प्राप्त होता है। तो ध्यान से समझिए, ओम गंग गणपते नमे 108 times, ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमे 108 times, ओम शंख शनिश्चराय नमे 108 times। 3 मंत्रों का जाप कीजिए और 1 हनुमान 40 का पाठ कीजिए, उसके बाद फिर 1 संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। मंगलवार शनिवार को अंडा मांस मछली बिल्कुल नहीं खाएं, प्योरिटी शुद्धता से रहें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, केसरी सिंदूर चढ़ाएं और चमेली का तेल चढ़ाएं, और शनिवार को आप तो चींटियों को और कौवों को खिलाएं और पीपल वृक्ष पर काला तिल कच्चा दूध तो पानी मिलाकर चढ़ाएं, और शाम को थोड़ा प्रसाद चढ़ाकर शनि देव की आरती करें तो आप निश्चित रूप से इन शनि और मंगल के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और बुधवार को हरा चारा आप गाय को जरूर खिलाएं, या आप गणपति को हरे दुर्वे की गड्डी दांव पर चढ़ा सकते हैं तो बुधवार के दिन। तो देखिएगा, आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।